शिकारा मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शिकारा एक फिल्म नहीं, एक दर्द है, और वो दर्द है जो मतलब कश्मीरी पंडितों ने अपने ऊपर झेला है। एक नारा, हमको क्या चाहिए, आज़ादी, उस समय भी था और आज भी दिल्ली में जो माहौल है, शाहीन बाग, JNU, जामिया, इन गद्दारों ने इस नारे को अपना कर ये साबित कर दिया कि ये लोग कभी इस देश के नहीं हो सकते और हमेशा इस देश को तोड़ने की सोच रखते हैं। कहानी अच्छी है, हार्ट को टच करती है। कहानी में यही दिखाया गया कि किस तरीके से एक दूसरे से लोग प्यार करते थे और वहाँ पे एक नफरत की, इस एक नारे जब ये लगाए गए कि हमको क्या चाहिए आज़ादी, उन्होंने मतलब एक डोर से डोर को अलग कर दिया। जो बसे बसाए घर, उन्होंने सपने देखे थे, जो अपने थे वो सब छूट गए उनके, और जबरन उनको सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मैं 5 दूंगा भाई। रियली नाइस मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो वो पूरा लाइक द एंटायर मूवी यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन द मूवी, कभी ध्यान भटका नहीं पूरा टाइम। डेब्यूटेंट्स बहुत अच्छे थे दोनों का। आई विल गिव 4.5। थैंक यू सर। कैसी लगी फिल्म आपको शिकारा? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म, तो एक वो भी रीज़न है, कश्मीर से हूँ, और फिर शायद पहचाना नहीं आपने, मैं हीरो की मदर प्ले कर रही हूँ इसमें। सो कश्मीरी सारी स्टोरी से हम जुड़े हुए हैं, बट विद्यू जी ने, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग दिस स्टोरी टू टेल द वर्ल्ड कैसे कश्मीरीज ने सफ़र किया है। बहुत अच्छी। बहुत ज़्यादा, आई मीन जब पहले पढ़ी थी तब भी इमोशन हुआ था, और अब तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ सब कुछ, वो जो कुछ देखा था उससे। आई कांट स्पीक। लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो दुनिया सोचती है, जो भूल चुकी थी कश्मीरी पंडितों की उस कहानी को, लोगों ने जाना नहीं। या आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड आई एम पंजाबी एंड कश्मीरी पंडित बोथ एंड एसोसिएटेड इन द फिल्म, बट यू ऑल हैव टू वॉच। मीनिंगफुल सिनेमा है, सच्चा सिनेमा है, तो ज़रूर सब लोगों को जाना चाहिए। बहुत अच्छी लगी सर मुझे तो। एंड कहानी ने कितना बांध के रखा? कहानी ने, कहानी तो बहुत अच्छी बांध के रखा, पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा बांध के रखा। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल थी आपके लिए? हाँ, बहुत इमोशनल लगे मेरे। ओके, कहीं ना कहीं कहा भी जा रहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है ये, सिर्फ जिस तरीके के देश में आजकल के हालात हैं उनको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। देखो अभी कैसा होता है, ये हालात तो पहले भी थे और अभी हालात थोड़ा उस हिसाब से इस फिल्म मेकर ने वो सोच के बनाया होगा, हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते कि जो वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है वो कहीं देश में और जगह भी हो सकता है, और इस हिसाब से एक जो देश में हुआ है ये हमारे लिए बहुत सीखने की चीज़ है कि इस जो हुआ है दोबारा ना हो कहीं, और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन बन के एक साथ रहे, ये कहीं ना कहीं समझने की सीख देता है इस मूवी से। एक्टर्स का काम कैसा लगा? एक्टर्स का काम बहुत अच्छा लगा मुझे। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 4.5 स्टार देना चाहूँगा। कैसा लगा फिल्म? मेरी होने वाली वाइफ के साथ में आया था देखने के लिए, तो फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी जो स्टोरी है, स्टोरी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कम टाइम में उनको लव हो जाता है, मेरी शादी हो जाती है, और उनका ड्रीम होता है कि उनको वहीं पर जम्मू कश्मीर में रहना है, बट मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो टेररिस्ट की वजह से वो नहीं रह पाते हैं। जी कहानी में देखा जाए कि हम लोग मतलब टीवी देखते हैं Article 370 एंड ऑल जम्मू कश्मीर, तो सिर्फ टीवी में सुनते रहते हैं, मतलब लाइक स्टूडेंट और पार्ट टाइम जॉब, तो हम लोग मुंबई वाले क्या सोचते हैं कि हो रहा है कश्मीर में तो होना, तो अपने को क्या करना है, बट रियल में जब जिससे पढ़ती है उसको वाले में पढ़ते हैं, तो रियलाइज हुआ कि हाँ यार ऐसा भी होता रहेगा, कि बिकॉज देख रहा था जब जब कोई भी बम विस्फोट होता था तो सारी शॉप बंद हो जाती थी। बेसिकली हम वर्किंग इन टाटा, हमें टाटा एम्प्लॉय, तो अगर मेरा शॉप बंद हो जाएगा तो कितना बुरा लगेगा मुझे, तो रियलाइज होता कैसे क्या प्रॉब्लम होती क्रिएट होती है। एंड एक्टर्स का काम कैसा लगा? एक्टर का काम तो बहुत अच्छा था। एंड कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म में? 5 में तो 5 स्टार फ्रॉम माय साइड। ओके सर, कैसी लगी फिल्म आपको? मैं डिसअपॉइंटेड था, मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट शो जा रहा हूँ मैं, बिकॉज आई नो द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, आई ऑल्सो गॉट कश्मीरी फ्रेंड्स, and I'm also, since I read a lot, I know the suffering of refugees all over the world. ये हमारे घर में रेफ्यूजी हो रहा है तो हमें ज़्यादा महसूस, दुख महसूस होता है, ये पिक्चर में वो कन्वे नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू मी,
यू शुड कम बैक फीलिंग के दिस इज टू मच, दिस टू मच, वो नहीं हो रहा है, हो ना रहा, दैट इज वॉट ही मिस्ड अ गोल्डन चांस. अदरवाइज टेक्निकली ब्रिलियंट, एक्टर्स हैव डन वेरी वेल. आई डोंट नो वेर ही शॉट द कश्मीर सीक्वेंसेज, हाउ कुड ही हैव डन द शूटिंग इन द माहौल दैट इज श्रीनगर, और वेदर ही रिक्रिएटेड इन स्टूडियो, आई डोंट नो. ऑल दैट टेक्निकली ब्रिलियंट. कहानी ने बांध के रखा, हाँ कहानी ने कितना बांध के रखा. वही तो बोल रहा हूँ ना, बांध के नहीं रख सका वो. क्या कमी लगी आपको? वो इमोशन नहीं लाया जो इतना, मैटर इज वेरी सीरियस, पीपल आर सफरिंग एंड दीज आर वंडरफुल पीपल हैव नॉट टेकन टू वायलेंस. पीपल हैव टेकन टू वायलेंस फॉर लेसर कॉजेस, बट हियर दे हैव नॉट टेकन. वी शुड शो कंसर्न फॉर पीपल हु हैव सफर्ड साइलेंटली फॉर 30 ईयर्स. वो आया नहीं इस पिक्चर में कि सोचो इनके बारे में क्या हो रहा है, हमारे भाई बहन हैं वो लोग, वो नहीं आ रहा है पिक्चर में. इम्पैक्ट की जरूरत थी इस फिल्म में, लव एंगल की. तो इंडियन सिनेमा में थोड़ा लव एंगल होना चाहिए, इवन इन अ वॉर मूवी थोड़ा लाएंगे. वो तो इंडियन कल्चर की बात है, वी आर वेरी इमोशनल पीपल. एवरी स्टोरी यू हैव टू ब्रिंग आउट सम लव, अदरवाइज पब्लिक फिल्म क्या यार, ये तो वॉर फिल्म लगता है. उट ऑफ 5.